एक जिले से दूसरे जिले तक जाना, ये हमारी जॉब का एक बहुत नॉर्मल पार्ट है। और हमारे करियर में हम बहुत बार ट्रांसफ़र होते हैं, बहुत ड्यूटीज चेंज होती है, नए रोल्स मिलते हैं, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं। यहाँ पर श्रावस्ती में मुझे बहुत अच्छी टीम मिली है और आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट रहा है कि हम सब ने मिलकर यहाँ पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। पिछले वर्ष बाढ़ जैसी आपदा जो पिछले 50 सालों में वैसी बाढ़ नहीं आई होगी, उसको हमने इतनी अच्छी तरीके से टैकल किया। ये सब प्रूफ है कि हमने एज अ टीम बहुत अच्छा काम किया। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे प्रोफेशनल के अलावा उस जगह से एक पर्सनल अटैचमेंट भी हो जाता है। जिस जिलों में हमारी पोस्टिंग रही है, जैसे अम्बेडकर नगर से मेरा काफ़ी खास अटैचमेंट है क्योंकि मेरा बेटा वहाँ ही बॉर्न हुआ था जब हम लोग अम्बेडकर नगर पोस्टेड थे। श्रावस्ती से भी मेरा अटैचमेंट है, मेरी डॉटर ने यहाँ से स्कूलिंग स्टार्ट की है। तो एज एन ऑफिसर हर जगह से एक अटैचमेंट रहता ही है। और प्रोफेशनल जितने अभी आप सभी लोगों ने काम बताए हैं, जो अच्छे अचीवमेंट्स यहाँ के हुए, चाहे वो सीता द्वार झील की सफाई हो, झील का रेनोवेशन हो, श्रावस्ती महोत्सव हो, बाढ़ में किए गए काम, रेड क्रॉस सोसाइटी का जो डिफेंस सोसाइटी थी उसको फिर से खड़ा करना, DDRC सेंटर बनाना, तो ये सारे काम हैं यहाँ के। तो मैं चाहूँगी कि मैं दूसरे ज़िलों जहाँ औरैया जा रही हूँ वहाँ भी इसको रेप्लिकेट करूँ। और मैं ये वहाँ भी ऐसा आशा करती हूँ कि यहाँ जितने अच्छे अधिकारी थे, मुझे वहाँ भी इतने ही अच्छे अधिकारी मिले। यहाँ श्रावस्ती में बहुत सारी अच्छी यादें भी लेकर जा रही हूँ और बहुत सारे ऑफिसर जिनसे बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते भी बन गए हैं। मेरे CDO साहब है, उनकी वाइफ है, वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह बन गए हैं और हमेशा हम लोग टच में रहेंगे, बात करेंगे। मेरे दोनों ADMs जो भी मैं कह दूँ, जो उनको बता दूँ, फिर वो लोग बिल्कुल लग जाते कि ये काम तो होना ही है। सारे मेरे SDMs हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जो भी निर्देश दिए जाते थे उनका पालन करते थे। BDOs ने बहुत सहयोग किया है, जितने हमारे विभाग के स्कीम्स हैं सभी हमारे BDOs ने ये कोशिश की है कि सारी स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। जितने हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, जनपद स्तरीय अधिकारी, सब ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विभाग में बहुत अच्छा काम किया है और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हमारी रैंक पूरे स्टेट में बहुत अच्छी आई है। IGRS में पहले हम 75वें रैंक पे थे, जब मैं आई थी तो हमारा रैंक उस महीने 74 था और अगले महीने 4th रैंक होगा। तो ये सब आप लोगों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अकेले कुछ भी करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ये सब टीम वर्क है। मुझे इतने अच्छे अधिकारी यहाँ पर मिले जो अपने दायित्वों के प्रति इतने सेंसिटिव थे और जो भी मैंने कहा, जो भी मेरा विजन था, उसको ज़मीन पर उतारा है आप लोगों ने। मैंने यहाँ पर देखा कि रेड क्रॉस सोसाइटी डिफंक्ट है, DDRC सेंटर डिफंक्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिन जिन चीज़ों पे मेरा फोकस रहा उसको फिर हमने बहुत अच्छा करके दिखाया। तो हम सब ने मिलजुल कर श्रावस्ती के लिए बहुत सारे अचीवमेंट्स लाए हैं और यही मैं आशा करूँगी कि आप लोग भी ये कंटिन्यू करें। आगे जो हमारी नई DM आ रही है उनके साथ भी आप लोग ऐसे ही सहयोग करें और ये अचीवमेंट्स का सिलसिला जारी रहे। श्रावस्ती एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे पैरामीटर्स में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये लगातार चलते रहना चाहिए। ये ग्रोथ स्टोरी श्रावस्ती की हमेशा चलते रहनी चाहिए, श्रावस्ती हमेशा न्यूज़ में आना चाहिए अच्छे कामों के लिए। और आप सभी लोग मुझे बहुत याद आएंगे श्रावस्ती से, बहुत स्वीट मेमोरीज लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप सभी का स्वागत भी करती हूँ अपने नए ज़िले औरैया में। आप लोग वहाँ भी आइएगा, मुलाकात कीजिएगा, हम सबकी सर्विस यहीं पर है, इसी स्टेट में रहना है तो कहीं ना कहीं आगे मुलाकात भी होगी, तो अच्छा है। आप सभी से बहुत, आप सभी का धन्यवाद, आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए भी धन्यवाद।